बात करेंगे कैसेसी टिटन चैलेंजर कप का एक बेहतरीन टिटन मुकाबला के बारे में जो खेला जाएगा अफगान 11 वर्सेस एजेडन के बीच में। कैसेसी टिटन चैलेंजर कप में दोनों टीम ने एक एक मुकाबले खेले थे और बैनों पर हमने एक चीज़ नोटिस करी थी कि एक तो चेज करना आसान हो रहा है और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो दोनों टीम ने एक एक मुकाबले टूर्नामेंट में खेली है ना, सबके सब मुकाबले इनकी टीम से ने हार के आ रही है। मतलब बेस्टजन की टीम लास्ट लगे में 90 पे 8 विकेट इन्हें गिरा था, चेज करने वाली टीम ने जीती थी और अफगान 11 की टीम ने चेज करी थी, सॉरी हाँ फिर भी इनकी टीम से नहीं आ रहे थे। सब चीज़ मैं आपको क्लियर करके देने वाला हूँ, सब चीज़ आपको क्लियर करेंगे, बस स्मॉल लीग पिक जीएल वगैरह हेड टू हेड की पिक बताऊँगा कि कौन कहाँ पर बैटिंग करा रहा है, बेंच वाले जितने प्लेयर्स बैठे हैं सबके नाम सबके स्टैट्स बताने वाला हूँ। वीडियो का आप एक लाइक करके स्टार्ट करेंगे, टेलीग्राम को अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ पर क्लिक करके हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करेंगे या फिर आप टेलीग्राम पर सर्च करेंगे @FXpart हमने जैसा लिखा है SIM2SIM लिखेंगे, 15,100-200 समथिंग सब्सक्राइबर वाला चैनल देखने को मिलेगा और आप यहीं पर क्लिक करके जुड़ना है। लास्ट टाइम में कोई भी फर्दर अपडेट आएगा तो ध्यान रहे कि टीम आपको टेलीग्राम चैनल पर ही दी जाएगी, तो वहाँ पर जुड़ना इम्पोर्टेंस रहेगा। मैचेज रहेंगे 10:45 में, क्योंकि पहला मुकाबला 10:45 में होता है और दूसरा मुकाबला 12:45 में होता है। और वेन्यू पे चेंज करना आसान हो रहा है, सुलाबिया क्रिकेट ग्राउंड कुवैत का वेन्यू रहेगा, 9 मुकाबले वेन्यू पे हमने देखा इसी टूर्नामेंट में, बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम ने 2 बार, सेकेंड करने वाली टीम ने 7 बार जीती है, तो चेंज करना आसान हो रहा है। पहले बात करेंगे अफगान 11 टीम की, तो इनकी टीम ने पहले बल्लेबाजी करी थी, 72 पे 6 विकेट गिरा था, चेज करने वाली टीम ने जीती थी, नो डाउट, सॉरी इनकी टीम ने चेज करी थी फिर भी चेज नहीं हुआ था। ओपनिंग करा कर दिए थे फहीमुद्दीन शरीफ, इनके साथ आए थे खानवाली सैयद खान, फहीमुद्दीन शरीफ बल्लेबाजी क्रम में अवेलेबल है और इन दोनों में से आपको एक ही को लेने हैं। बल्लेबाजी क्रम से कन्फर्म फहीमुद्दीन शरीफ ओपनिंग करेंगे, रिसेंट में जितने मैचेज हुए वहाँ पर ज्यादा स्कोरिंग नहीं कराए, लेकिन हाँ 10-15 ऐसे स्कोरिंग करते ओपनिंग कराते तो सेफ रहेंगे। खानवाली सैयद खान वैसे तो ऑलराउंडर है, मतलब बैटिंग ऑलराउंडर हम कहते हैं ना वो है, ठीक है, लास्ट लगे में इन्होंने 6 रन करा था, बॉलिंग मिली नहीं थी, लेकिन इनको कभी भी टीम बॉलिंग दे सकती है, हमने केसीसी टी20 टूर्नामेंट में 3 मैच में 4 ओवर देखा था जहाँ पे इन्होंने 4 विकेट भी निकाले थे, तो कभी भी खानवाली सैयद खान आपको बॉलिंग करते नजर आएंगे, इस चीज़ को आप ध्यान रखें, तो जीएल वगैरह टीम में सेफ रहेगा, आप स्मॉली की टीम में छोड़ो। वन डाउन इमरान नवाज कर लेते जो कि 30 रन करा था, खेलेंगे, बढ़िया बल्लेबाज है, हमने रखा था और अगेन पिक करेंगे बल्लेबाजी क्रम से। रबिंसन सलाम वैसे तो ऑलराउंडर बहुत तगड़ा है, बॉलिंग ऑलराउंडर, टीम ने इनको लास्ट लगे में बॉलिंग दिया नहीं था। रबिंसन सलाम के सीसी टी20 के अंदर अभी 24 के अंदर जो हुआ था ना वहाँ पे 4 मैच में 14 ओवर डाल के 5 विकेट था, हर गेम में 3-4 ओवर डाल रहे थे लेकिन लास्ट लगे में टीम ने इनको बॉलिंग दिया नहीं था। अब यहाँ पे देखोगे कि जो इनके बहुत सारे बॉलर खेल रहे हैं ना, वसीम शेख, मिराबाज, फजल हक, अगर इन दोनों में से कोई एक बॉलर नहीं खेलता है तो फिर यहाँ पे रबिंसन सलाम को टीम बॉलिंग दे सकती है। अब देखने वाली चीज़ें रही कि जो लास्ट लगे में प्लेइंग 11 सेम था, टीम का वही रहता है, अलग रहता है, कोई मेन बॉलर नहीं खेलेगा तो टीम इनको में बॉलिंग में यूज़ कर सकती है। सुल्तान जाई को हमने विसी किया था, बल्ले से 3 रन था, 1 विकेट था, 2 ओवर डाल के, जफीर अंसारी अनवर 2 रन 1 विकेट 2 ओवर डाल के, बढ़िया ऑलराउंडर है। वसीम कुरैशी काफ़ी नीचे खेलेंगे, अगर खनवाली सैयद खान को टीम नीचे खिलाएगी तो वसीम कुरैशी फहीमुद्दीन शरीफ के साथ ओपनिंग करेंगे, ये चीज़ आप ध्यान रखें, चलिएगा बड़ी बढ़िया इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि वसीम कुरैशी कभी भी ओपनिंग कर सकते हैं फहीमुद्दीन शरीफ के साथ और बल्लेबाजी से बढ़िया बल्लेबाज है वसीम कुरैशी, इस चीज़ को आप ध्यान रखें चलना। करुणाल पाटिल लास्ट लगे में 1 रन 1 विकेट 2 ओवर डाल के, अली अहमद फहीम ऑलराउंडर बॉलर बहुत तगड़ा है लेकिन लास्ट लगे में टीम ने इनको बॉलिंग दिया नहीं था, बॉलिंग कभी भी करा सकते हैं, इस चीज़ को आप ध्यान रख के चलिएगा। वसीम शेख 2 विकेट निकाले थे, मिराबाज फजल हक ने 2 ओवर डाल के 1 विकेट निकाला था। हमने केसीसी टी20 चैलेंजर कप में इलाइट कप में भाई अनएक्सपेक्टेड बहुत सारे मैचेज देखे हैं, जो मेन बॉलर है उनको टीम बॉलिंग दे नहीं रही है। अफगानी 11 टीम से आपको रखने हैं फहीमुद्दीन शरीफ, खनवाली सैयद खान कभी भी नीचे खेल सकते हैं, इस पर हम रिस्क नहीं रखेंगे। दूसरा इमरान नवाज रहेगा, तीसरा सुल्तान जाई, चौथा जफीर अंसारी अनवर, पांचवा वसीम कुरैशी को ले सकते हो, छठा करुणाल पाटिल, सातवा वसीम शेख, आठवा मिराबाज फजल हक, अली अहमद फहीम, इस टीम से बहुत सारे बॉलर खेल रहा है, अली अहमद फहीम कभी भी बॉलिंग कर सकते हैं, इस चीज़ को आप ध्यान रखे चलिएगा, बहुत तगड़ा ऑलराउंडर है, बहुत तगड़ा विकेट अगर बॉलर हम कहेंगे इनको। बेंच वाले जो भी प्लेयर्स बैठे हैं मैंने स्टैट्स सबका निकालिए, कोई कहीं पर भी खेलेगा तो उनका स्टैट्स मैं आपको टेलीग्राम पे शेयर करूंगा, सबसे पहले आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करेंगे ताकि मैं आपको टीम वगैरह जो भी चीज़ हो मैं आपको दे पाऊँ।
मैचेस सामने वाली टीम रहेगा SZN की टीम, टीम ने इनकी टीम ने लास्ट लगे में हारी थी, 90 रन करा था फिर भी हारी थी क्योंकि टीम FRB की टीम ने चेज करी थी 7 विकेट से। ओपनिंग करा के दे रहे थे हासिम मोहम्मद, इनके साथ आए थे और माल शिवा कुमार। हासिम मोहम्मद इस टीम से विकेट कीपिंग करेंगे, ओपनिंग करेंगे, तो सामने वाली टीम से ना वसीम कुरैशी से बेहतर हासिम मोहम्मद रहेगा इस टीम से, ठीक है, क्योंकि ओपनिंग करेंगे, विकेट कीपिंग करेंगे और उनसे बेहतर बल्लेबाज भी है तो सेफ रहेगा। अरुमाल शिवा कुमार ने 2 रन करा था लेकिन 15-20 स्कोरिंग कभी भी कर सकते हैं, बल्लेबाजी क्रम में अवेलेबल है, खेलेंगे, ओपनिंग करेगा और मैं इनके साथ जाऊंगा। सेजू मैथो ने 1 रन बल्लेबाजी कराई थी, 3 रन करा था, मैं इनके साथ नहीं जाऊंगा बिल्कुल भी, रिसेंट का फॉर्म उतना बढ़िया नहीं है। अनूप और अवानु कुंडिल 2 रन 1.05 ओवर डाल के विकेट लेस गए थे, ऑलराउंडर ठीक ठाक है, विकेट नहीं मिला था लेकिन कभी भी अपने दिन पे एक दो विकेट ले सकते हैं। शारद वासुदेव लास्ट लगे में इनको भी पिटाई हुआ था क्योंकि सामने टीम बेहतर टीम थी, उनके 3 ही विकेट गिरा था, लेकिन यहाँ पे दोनों टीम बराबर की टीम से तो विकेट गिरेंगे, रन बनेगा, सब कुछ होगा, आप इनको भी ट्राई करिएगा। तौफीक को छोड़ेंगे, अभिजीत अशोकन इनको भी आप छोड़ो, मोहम्मद हिसाम को हमने कैप्टन किया था और अगैन हम कैप्टन करेंगे। थोड़ा सा नीचे बल्लेबाजी कराई थी लेकिन बल्ले से 8 रन था, 2 बडाल के 1 विकेट था। मोहम्मद राशिक बासा ने भी 1 विकेट निकाला था, एन प्रकाश ने 2 बडाली थी, आप इनके साथ भी जाएंगे। बेहतर रहेगा हासिम मोहम्मद, अरुमाल शिवा कुमार, अनूप वासुदेव 4 हो गया, 5वें मोहम्मद हिसाम, 6ठा राशिक बासा, 7वां आप इस टीम से एन प्रकाश को रखिएगा। बेंच वाले जो भी प्लस बैठे, बिघ्नेश गोपला कृष्णन बहुत तगड़ा राउंडर है, अगर इनमें से कोई प्लस खेलता है तो मैं आपको टेलीग्राम पे स्टैट्स वगैरह जो भी चीज़ है दे दूंगा। विकेट कीपर में हम हासिम मोहम्मद के ले रहे हैं क्योंकि लास्ट लगे में वसीम कुरैशी को टीम नीचे खिलाई थी, अगर खानवाली सईद खान को टीम नीचे खिलाती है तो वसीम कुरैशी के साथ फहीमुद्दीन शरीफ ओपनिंग करेगा, भी हो सकता है। अभी के लिए इमरान नवाज, फहीमुद्दीन शरीफ और रुमाल शिवा कुमार को रखिएगा। फिर अंगल राउंडर सेक्शन में मोहम्मद हिसाम, करुणाल पाठे, सुल्तान जाई, वासुदेव, अनूप, वसीम शेख, फजल हक ने भी 2 ओवर डाली थी, अब उनके अलावा आप रखिएगा यहाँ पर जफीर अंसारी, अनवर को। अब एक चीज़ यहाँ पर देखने वाली रहेगी कि रुमाल शिवा कुमार को छोड़ो, इन प्रकाश को रखो, फिर आओ यहाँ पर फहीमुद्दीन शरीफ को भी अब छोड़ सकते हो। चलो छोड़ करके हम एक बॉलर को ट्राई करते हैं जिनका नाम है राशिक बासा, हमने SZN टीम को फेवर करी है। कैप्टेंसी का बात रहा तो मैं अभी के लिए कैप्टन करूँगा मोहम्मद हिसाम को, सॉरी मोहम्मद हिसाम की दर है भाई ये, राम मोहम्मद हिसाम कैप्टन, सुल्तान जाई मेरा VC रहेगा, आप इनके जगह पे अनूप को VC कर सकते हो, आप अपने हिसाब से CBC करिएगा, आप उसी प्लस को रखो जो बॉलिंग बैटिंग करे, क्योंकि ज़्यादा रन बनेगा नहीं तो उसे बेहतर रहेगा कि आप उसी प्लस को रखो जो बॉलिंग के साथ साथ बैटिंग करा रहे, दोनों से आपको पॉइंट्स देनी चाहिए। वीडियो को डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करेंगे। बेस्ट ऑफ लक, गुड बाय।